चारगंज के पक्का पोखरा के पास रामलीला मंच में चल रहे 180 साल पुरानी रामलीला समिति के बच्चों के लिए रामलीला के मंचन में रावण ने किया सीता हरण। आपको बता दें कि रामलीला समिति द्वारा 19वें दिन निरंतर चल रहे रामलीला में बच्चों के धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें कि सीता हरण व सीता बिलाप, भगवान श्री राम बिलाप आदि का मंचन किया गया। आपको बता दें कि वहीं रावण जटायु युद्ध भी बच्चों के आकर्षण का केंद्र बना रहा, सभी समय समय पर जय श्री राम के नारे लगाते रहे। वहीं रावण के साथ फोटो खिंचाने के लिए भी बच्चे उत्साहित देखे गए। आपको बता दें कि यहां पर रामलीला समिति द्वारा बच्चों के लिए मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे झूला, चाट, मिठाइयां आदि का सेवन करते हैं, साथ ही मेले का जम के आनंद लेते हैं। वहीं भगवान श्री राम से जुड़े हुए जीवन की लीलाओं को देख के उनके प्रति आस्थावान भी बनते हैं।